हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिस ट्यूटोरियल। रोज़ दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ये आपको ब्यूटीफुल बनाने में भी बहुत काम आता है। पुराने ज़माने के लोग रोज़ को बहुत ही यूज़ करते थे अपने ब्यूटी रेजिम में, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप भी अपने ब्यूटी रेजिम में रोज़ वाटर का तो यूज़ करते ही होगे, पर क्या आपको पता है कि रोज़ के पत्तियाँ भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आज मैं आपको घर पर ही रोज़ पेटल पाउडर बनाना सिखाऊंगी और उसके कई सारे फायदे बताऊंगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। रोज़ पेटल में नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है, स्किन टोनर का काम करता है, फेशियल क्लींजर का काम करता है, मॉइस्चराइज़र, और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें गुलाब की पंखुड़ियों को अलग कर लेना है और उसे धूप में सुखा लेना है। इसे मैंने एक हफ्ते के ऊपर धूप में सुखाया था तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ये क्रश होते ही पाउडरी टाइप हो रहा है, मतलब ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसे मिक्सचर जार में डाल के एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके का एकदम पाउडरी हो जाएगा, तो यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अब इसे मैंने एक जार में निकाल लिया है। आप इस पाउडर को 6 मंथ और अबव के लिए स्टोर करके रख सकते हो रूम टेम्परेचर में। आप इस रोज़ पाउडर को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन और अपने हेयर के लिए। यहाँ मैं आपको एक फेस पैक बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया है रोज़ पेटल पाउडर। रोज़ पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन को रिजुवनेट करता है, हमारी स्किन को रिंकल फ्री और टाइट बनाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, ये भी पाउडर फॉर्म में है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को, इरिटेटेड स्किन को भी सूथ करता है। रोज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा कर्ड, दही। अगेन हमारी स्किन को एक्नी फ्री, ब्लेमिश फ्री बनाता है, हमारा एक्सेसिव ऑयल को रिड्यूस करता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी, जो अगेन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारे स्किन के लिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इस फेस पैक को अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब इस फेस पैक को आप 10 टू 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने दें। इस फेस पैक को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश और ग्लोइंग फील करेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।